हेलो एवरीवन, क्या हाल है? मस्त एकदम। तो चलिए कैपिटल गेन को कंटिन्यू करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लास्ट क्लास में देख रहे थे। आपको ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि कब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देते हैं। कब बना देते हैं? व्हेन द एसेट इज लॉन्ग टर्म। और एसेट लॉन्ग टर्म कब होती है? कुछ एसेट 12 महीना एक दिन पे लॉन्ग टर्म होती है, कुछ 24 महीने एक दिन पे लॉन्ग टर्म होती है, और कुछ 36 महीने एक दिन पे लॉन्ग टर्म हो जाती है, राइट? और कौन सी एसेट कब लॉन्ग टर्म होती है, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो जब भी एक एसेट लॉन्ग टर्म होती है, हमें इंडेक्सेशन करना पड़ता है। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है? हम महंगाई का इफेक्ट डाल देते हैं, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम डाल देते हैं उसके ऊपर। जैसे अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी परचेज की गई थी 2005 में, हम उसे सेल कर रहे हैं कब? 2023 में। तो हम 2005 से लेकर 2023 तक का महंगाई का इंपैक्ट उसके ऊपर डाल देंगे, जिससे अगर वो प्रॉपर्टी हो सकता है कितने की थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए की थी, तो महंगाई का इंपैक्ट डालने के बाद हो सकता है वो कितने की हो गई, 2.25 लाख रुपए की हो गई मे बी। तो वो जो महंगाई का इंपैक्ट कैसे डाला जाता है आज, वो भी आप देखेंगे, राइट? लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि महंगाई का जो इंपैक्ट है वो इनकम टैक्स में प्रोवाइडेड है सिर्फ 1/4/2001 से, 1/4/2001 से महंगाई का इंपैक्ट इनकम टैक्स में अवेलेबल है। यानी अगर एक एसेट 2001 में आपने एक्वायर की और 2023 में आप बेचेंगे तो हम महंगाई का इंपैक्ट उसके ऊपर डाल देंगे। 2005 में खरीद के 2023 में बेचेंगे तो भी हम इंपैक्ट डाल देंगे। 2001 के बाद मेरे पास महंगाई का इंपैक्ट है, ठीक है, वो इनकम टैक्स में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1990 में खरीदी थी, 2023 में बेच रहे हैं, तो 1990 से लेके 2023 तक का इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे महंगाई का। अगर हम उस पर इंपैक्ट डाल भी पाएंगे तो 2001 से लेके 2023 तक का डाल पाएंगे। तो 1990 से लेके 2001 तक का इंपैक्ट तो डल नहीं पाएगा। तो इनकम टैक्स क्या कहता है? कहता है कोई बात नहीं, 2001 से पहले की अगर एसेट है ना, तो आप 2001 की उसकी मार्केट वैल्यू को कॉस्ट की तरह ले लीजिए। जैसे एक एसेट थी 1990 में आपने 10 लाख का खरीदा, 2001 में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, मान लेते हैं 15 लाख रुपया। तो 15 लाख रुपए ही आप उसकी कॉस्ट ले लीजिए और 2001 से लेकर 2023 तक का उस पर महंगाई का इंपैक्ट डाल दीजिए। अब महंगाई का इंपैक्ट डालने के बाद हो सकता है वो कितने की हो गई, 50 लाख रुपए हो गई। अब बात समझ पाए क्या हो रहा है कि 2001/4/2001 से पहले की जो एसेट होगी उसमें हम क्या करेंगे, आपको 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू को कॉस्ट की तरह लेने का अधिकार दे देते हैं, ये इनकम टैक्स ने कहा। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है हमने 1/4/2001 के पहले कोई चीज खरीदी थी, ठीक है, वो 10 लाख की थी, लेकिन 1/4/2001 को उसकी मार्केट वैल्यू 8 ही लाख थी, तो भाई हम तो कॉस्ट को अपने कम थोड़ी ना करेंगे, हम तो कॉस्ट को ज्यादा करना चाहेंगे ना भाई। कॉस्ट कम कर देंगे तो कैपिटल गेन कम ही हो जाएगा। तो सरकार ने इसे ऑप्शन के तौर पर दिया, ये नहीं कि आपको जबरदस्ती 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू लेनी है। तो आप लेंगे क्या? ऑब्वियसली अगर मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट है या 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, वो हम ऑप्ट करेंगे, राइट? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बीइंग द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन अप्रैल 1, 2001, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को फेयर मार्केट वैल्यू जो 1/4/2001 की है वो ली जा रही है। क्यों ली जा रही है ये भी बात आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसके पहले का इंडेक्सेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट इसके पहले का हमारे पास इनकम टैक्स में अवेलेबल नहीं है। इनकम टैक्स में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1/4/2001 से। इन द फॉलोइंग केसेस द एसएससी मे टेक एट हिज ऑप्शन ईदर द एक्चुअल कॉस्ट और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन अप्रैल 1, 2001 एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहला, वेदर कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी बिफोर अप्रैल 1, 2001। कैपिटल एसेट आपकी प्रॉपर्टी कब बनी, 1/4/2001 के पहले। वेदर कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी बाय एनी मोड रेफर टू इन सेक्शन 49(1). 49(1) याद है? हाँ, 49(1) कैसे भूल जाओगे। 49(1) का मतलब आपको प्रॉपर्टी फोकट में मिली, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो प्रीवियस ओनर ने अगर 1/4/2001 के पहले खरीदा था प्रॉपर्टी, तो भी आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने को मिल जाएगा, 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू। समझ में आया ये बात? देखिए, फादर ने प्रॉपर्टी परचेज की 1990 में, ठीक है, सन को ये प्रॉपर्टी मिली गिफ्ट में फादर के द्वारा, ठीक है, कब मिली, मान लेते हैं 2005 में,
ठीक है, सन ने 2023 में इसको सेल कर दिया, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब सन के फादर की कॉस्ट कितनी थी, मान लेते इस प्रॉपर्टी की 10 लाख रुपये। बीच में आएगा 2001, 2001 की मार्केट वैल्यू कितनी थी, 2001 की मार्केट वैल्यू कितनी थी, मान लेते हैं इसकी 15 लाख रुपया। तो सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, 15 लाख रुपये। अगर आपने 2001 के पहले खरीदा था तो भी आपको ऑप्शन मिलता है 2001 की मार्केट वैल्यू लेने का। अगर आपको सेक्शन 49(1) के तहत प्रॉपर्टी मिली थी और प्रीवियस ओनर ने प्रॉपर्टी एक्वायर की है 1/4 2001 के पहले, तो भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगर मैंने खुद प्रॉपर्टी खरीदी होती तो भी मुझे मिलता है ये ऑप्शन। अगर मुझे प्रॉपर्टी 49(1) में मिली, लेकिन जिससे मिली उसने प्रॉपर्टी 1/4 2001 के पहले खरीदी थी, तो भी मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये 1/4 2001 की वैल्यू होती है। एंड द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर बिफोर 1/4 2001, ठीक है। प्रीवियस ओनर ने 1/4 2001 के पहले खरीदा था। द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट में ये सब नहीं होता है। डेप्रिशिएबल एसेट में तो कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होता है, आपने PGBP में देखा था भाई, WDV से ज्यादा में बिक गया तो कैपिटल गेन, और अगर सारा एसेट बिक गया और WDV से कम पैसा आया तो कैपिटल लॉस, ये होता था। WDV से ज्यादा में बिक गया तो कैपिटल गेन, और WDV से कम में बिका और सारी एसेट बिक गई, पूरा ब्लॉक खाली हो गया, तो कैपिटल लॉस आता था। ये PGBP में आपने पढ़ा है। When option is available, the cost of asset or the fair market value as on April 1, 2001, whichever is higher is taken as cost of acquisition. Obviously, ये option की तरह है, तो दोनों में से जो ज़्यादा होता है, अगर मान लीजिए 1/4 2001 की market value ही कम है, तो कोई भी इंसान अपनी original cost को ही लेगा as cost of acquisition. अच्छा, हम आपको क्या दे रहे हैं, fair market value दे रहे हैं, हम आपको fair market value दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आपको फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में हम आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देंगे 1/4 2001 की, ठीक है। इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टेकन इंस्टेड ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, हाउएवर वेयर द सर्कल रेट्स हैव नॉट बीन नोटिफाइड बाय द स्टेट देन फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी यूज्ड। अगर उसका सर्कल रेट है ही नहीं, सर्कल रेट का मतलब ही होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। अगर वहां का सर्कल रेट नहीं बना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिसाइड नहीं हुई है, तो उस एक एरिया की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा 1/4 2001 का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है मालूम है ना, सरकारी मूल्यांकन, उस प्रॉपर्टी का सरकारी वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर है 6 पॉइंट, दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बींग। अब 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू आपको इन केसेस में नहीं मिल रही है। अब ये क्यों नहीं मिल रही है, आइए समझते हैं। पहला है गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। गुडविल अगर है बिजनेस की प्रोफेशन की, तो आपको 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है भाई, फिर पंगा हो जाएगा ना, आप समझिए। आपको याद है कि नहीं, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि लोग क्या कर रहे थे, एक बिजनेस बेच रहे थे अपना 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, जिसमें बोल रहे थे 99 लाख रुपए की हम क्या बेच रहे हैं, गुडविल बेच रहे हैं और 1 लाख रुपए का एसेट बेच रहे हैं। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट एसेट की 1 लाख थी, इसलिए कैपिटल गेन नहीं ला जा रहा था। और गुडविल के केस में क्या बोल रहे थे याद है आपको, कह रहे थे गुडविल का 99 लाख रुपया आया है, गुडविल में प्रॉफिट नहीं हुआ है, गुडविल की सेल कंसिडरेशन है 99 लाख रुपया, और इनकम टैक्स इनकम पे टैक्स लेगा ना कि रेवेन्यू पे टैक्स लेगा। 99 लाख रुपया इज द ग्रॉस रेवेन्यू, और रेवेन्यू में से जब कॉस्ट घटाया जाएगा तब प्रॉफिट आएगा, और गुडविल जो है मेरी 50 साल के खून पसीने की वैल्यू है, मैंने इस धंधे में अपना खून पसीना लगाया 50 साल, तब ये 99 लाख रुपए की गुडविल का मिल रहा है मुझे। जज साहब लगाइए मेरे खून पसीने की कीमत, याद आ रहा है ये सब पढ़ाया था आपको। तो वहीं पे लॉ ने डिसाइड किया, इनकम टैक्स एक्ट में लिख दिया गया कि सेल्फ जनरेटेड एसेट की कॉस्ट निल होती है। जाइए, आपको कॉस्ट नहीं ना पता चल रही थी तो इसलिए घट नहीं पा रहा था, तो इनकम टैक्स ने कहा कॉस्ट निल होती है, राइट। अब क्या होगा अगर फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा, तो फिर कहानी बन जाएगी। अब जैसे मेरा धंधा 50 साल पुराना है, तो बीच में तो 2001 भी आया ही है, ठीक है, हम कहेंगे मेरी कॉस्ट तो निल है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन होगा, हम कॉस्ट निल ले या फिर जो 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू है वो ले ले, ठीक है। तो हम कहेंगे 1/4 2001 को मेरे खून पसीने की कीमत कोई देने को तैयार था, कितना, 1 करोड़ रुपए। देखिए क्या होगी कहानी,
देखिए बहुत ज़्यादा कहानी हो जाएगी यहाँ पे, तो आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए मेरा धंधा जो है ये बहुत पुराना है, 1990 का बिज़नेस है, ठीक है। 2001 बीच में आया और ये 2023 में हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं 60 लाख रुपए में, ठीक है। तो अब सरकार इसमें से कहती है कॉस्ट घटाओ, तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट टू सेल्फ जनरेटेड एसेट की नील है। लेकिन अगर सरकार यहाँ कह देती ठीक है कॉस्ट टू सेल्फ जनरेटेड एसेट की नील है, लेकिन तुमको 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 1/4 2001 के पहले की कोई भी चीज़ होती है, मेरा गुडविल कब का है, मेरा गुडविल तो बहुत पहले का है, जब से धंधा शुरू किया तब से मेरी गुडविल है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि मेरे पास ऑप्शन है भाई, ये मेरा तो धंधा भाई पहले का है ना 1/4 2001, तो मेरे पास ऑप्शन है, हम कॉस्ट लेंगे नील, सरकार ने बताया नील, कॉस्ट होगी नील, और 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू, तो 1/4 2001 को मेरे गुडविल का हमको 1 करोड़ रुपए मिल रहा था, मेरे खून पसीने का 1 करोड़ रुपए मिल रहा था हमको, ये थी मेरी मार्केट वैल्यू। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रूफ चाहिए होगा ना, तो कोई आदमी भी हम खड़ा कर देंगे, कह देंगे यही खरीद रहा था, यही खरीद रहा था, 1 करोड़ रुपया दे रहा था गुडविल का लीजिए, हम तो प्रूफ भी करने को तैयार है, कौन सा उसको खरीदना है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ले लेंगे, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, 1 करोड़। अब 2001 से 2023 तक का तो हमको क्या मिल जाएगा, इन्फ्लेशन इफेक्ट, इंडेक्सेशन लगाएंगे, और अगर 2001 से 2023 का इन्फ्लेशन इफेक्ट लगाएंगे ना, तो मोटा मोटी 3.5 गुना हो जाता है, तो 1 करोड़ का 3.5 करोड़ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, 3.5 करोड़। हम बेच कितने का रहे हैं, 60 लाख रुपया, करीब 2.90 करोड़ रुपया का लॉस हो जाएगा। लो बैठे बैठे गुडविल का इतना पैसा मिल गया, 2.90 करोड़ रुपए का हम लॉस कर देंगे, दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट कर देंगे, जो टैक्स देना था वो भी नहीं देंगे, इसका टैक्स तो नहीं देंगे, जो टैक्स देना था वो नहीं देंगे, दूसरे में से भी एडजस्ट कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी कहानी हो जाती है अगर गवर्नमेंट 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू देती। सरकार कह रही है नहीं, नाटक नहीं भाई, गुडविल के केस में 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं देंगे, नहीं तो तुम कॉस्ट तो अंडा हम तुमको बता दिए, लेकिन तुम इसकी वैल्यू पकड़ लोगे और फिर उस पर इन्फ्लेशन लगा दोगे, राइट तो इसका आपको नहीं मिलेगा 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू। तो आपको रटना है 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू 6 जगह नहीं मिलती, और ये 6 जगह प्लानिंग हो जाएगी एक्चुअल में, इसीलिए नहीं मिलती है, ठीक है। हम आपको प्लानिंग इसलिए बता रहे हैं ताकि आप स्मार्ट बने भाई, आपको पता भी तो चले क्यों ऐसा कर रही है सरकार। आपको मजा तो आता है ना पढ़ने में, लेकिन अगर आपको मजा आता है ना तो मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। और मुझे सचमुच मजा नहीं आता आपका रिस्पांस देख के, अगर आपको मेरा पढ़ाना मजा आता है ना तो मुझे आपका रिस्पांस देख के मजा नहीं आता, ठीक है। क्योंकि एक तो मैं पूरी सीरीज कर रहा हूं, तो अब आपको पता चल गया हाँ सर दे रहे हैं, सर को अब अप्रिशिएट करने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा लाइक वाइक देने की जरूरत नहीं है, कमेंट करके अप्रिशिएट करने की या कोई भी बात बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, मेरे लेक्चर्स को अपलिफ्टमेंट नहीं मिलती, YouTube रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि इज दिस अ गुड लेक्चर और नॉट, भाई कैसे पहचानेगा वो कि वेदर दिस इज अ गुड लेक्चर और नॉट, क्योंकि YouTube तो यही जानता है ना कि जिसपे ज्यादा लाइक्स है कमेंट है, एंड शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी वीडियो शेयर होते हैं ना उतना वो समझता है कि यस दिस इज अ वीडियो विच इज शेयरेबल, यानी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग ये सब तो एकदम बैठा दिए हो भाई, ये सब जरूरत ही नहीं आपको समझ में आती है, एंड देयर फोर माई वीडियोज aren't getting those hits which it requires। तो आपको अगर मजा आ भी रहा है तो मुझे तो आपके रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बहरहाल कर क्या सकते हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ, जो मैंने आपसे वादा किया वो पूरा करता हूँ, मैं कोर्स अंत तक दूंगा आपको, ठीक है। गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, राइट, इस पे नहीं मिलेगा 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू। दूसरा, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। मैंने आपको बताया था कि जब गवर्नमेंट ने ना सबसे पहले गुडविल को पकड़ा, कहा गुडविल की कॉस्ट नील होती है, तो फिर लोगों ने गुडविल बोलने की बजाय ऐसे बोलने लग गए, कहे बिजनेस की एसेट बेच रहे हैं 1 लाख रुपए की, 99 लाख रुपए का बेच रहे हैं हम आपको राइट टू मैन्युफैक्चर। अरे भैया मैं तुम्हारी फैक्ट्री 1 करोड़ रुपए में खरीद रहा हूँ, तो राइट टू मैन्युफैक्चर तुमको अलग से दोगे, ज्यादा बेवकूफ समझे हो गया हमको। लेकिन ऐसे ही हो रहा था, लोग राइट टू मैन्युफैक्चर बोल रहे थे कि हम बेच रहे हैं, मतलब ऐसे बोल रहे थे, जब हम फैक्ट्री बेच रहे थे ना तो हम कैसे बोलते थे, 1 लाख की एसेट दे रहे हैं और 99 लाख रुपए में तुमको अधिकार दे रहे हैं कि यहाँ आके तुम मैन्युफैक्चरिंग करो। अरे तो जो फैक्ट्री खरीद रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग ही करेगा, आके गुल्ली डंडा थोड़ी ना खेलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही बेचा जा रहा था,
तो फिर सरकार राइट टू मैन्युफैक्चर बोल दे रहे थे, कोई राइट टू प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल बोल दे रहे थे, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। अरे भैया धंधा खरीद रहा है तुम्हारा तो धंधा ही करेगा वहां पे कि मजाक करेगा आके, ठीक है। तो कह रहे थे राइट टू कैरी ऑन बिजनेस हम उसको दे रहे हैं 99 लाख रुपए का। सरकार ने कहा ये जितनी नौटंकी तुम लोग बोलते हो ना, ये जो जितना सेल्फ जनरेटेड एसेट है, खुद ही से क्रिएट कर दे रहे हो एक एसेट, पहले गुडविल बोलते थे अब नया नया एसेट बना रहे हो तुम लोग, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू प्रोड्यूस आर्टिकल, ये जितना सेल्फ जनरेटेड है जो तुम खुद ही से क्रिएट कर दिए एसेट, उस सब की कॉस्ट नील है। तो उस सब की कॉस्ट नील भी बताई सरकार, और फिर अब सभी के लिए बोल रही है, कह रही है सबके लिए 2001 की मार्केट वैल्यू भी नहीं मिलेगी। ये सब गुडविल के ही तो भाई बहन है, गुडविल बोलने की जगह ही तो ये सब यूज किया गया था, सबकी 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर देखिए ट्रेडमार्क ब्रांड नेम, देखिए यहां भी वही नाटक है ना, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम हम ट्रेडमार्क के नाम पे बेच रहे थे, हम कह रहे थे कि हम जो धंधा है उसकी एसेट 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं, 99 लाख रुपए का ट्रेडमार्क बेच रहे हैं, 99 लाख रुपए का ब्रांड नेम बेच रहे हैं। ये सब तो अपने से बन जाता है ना, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम ये सब तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली ग्रो कर जाता है कि मेरा नाम इतना बड़ा हो गया कि हम नाम बेच सकते हैं अपना, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट भी सरकार ने तो नील ही बताई थी, इफ इट इज अ सेल्फ जनरेटेड एसेट देन इट्स कॉस्ट इज नील। इसके केस में भी 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर 1/4 2001 की मार्केट वैल्यू मिल जाएगी तब तो हम हद कर देंगे। पता है हम क्या करेंगे, आज मान लीजिए हम अपना ब्रांड नेम बेच रहे हैं 1 करोड़ रुपए में, हम बोलेंगे हमको तो 1/4 2001 को ही ब्रांड नेम का मिल रहा था 5 करोड़ रुपया, एक आदमी भी खड़ा कर देंगे, बोलेंगे बताओ इनकम टैक्स को तुम खरीद रहे थे ना 5 करोड़ का, कहेगा हाँ हम खरीद रहे थे 5 करोड़ रुपये का, बेचा नहीं हमको, मार्केट वैल्यू इसकी 5 करोड़ रुपये थी 1/4 2001 को, ठीक है। अब हम लगाएंगे उस पर एक मार्केट वैल्यू हो गई स्टैब्लिश, 5 करोड़ रुपये थी मेरे धंधे की ब्रांड नेम की, ठीक है। अब हम उस पर इन्फ्लेशन लगाएंगे 1/4 2001 से, अगर अभी तक हम इन्फ्लेशन लगाते मोटा मोटी 3.5 गुना हो जाता है महंगाई के हिसाब से, तो 5 करोड़ का 3.5 गुना कितना हो जाएगा, 17.5 करोड़ रुपये हो जाएगा। हम 1 करोड़ में बेचें 16.5 करोड़ रुपये का घाटा दिखा देंगे, और 16.5 करोड़ रुपये का घाटा दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट करके उसका भी टैक्स गवर्नमेंट का खा जाएंगे, वो नहीं देंगे भाई, घाटा हो गया तो दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट होगा ना, जिस प्रॉफिट पे टैक्स देना तो वो भी नहीं देंगे, गवर्नमेंट नहीं देगी आपको। टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट क्या होता है पहले आपको बताएं, हिंदुस्तान में एक कानून है जो ये कहता है कि अगर कोई किराएदार 12 साल तक मकान में रह जाए तो उसके पास मकान में रहने का अधिकार आ जाता है, मकान उसका हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मेरे मकान में किराएदार 12 साल तक रह गया, 12 साल का एग्रीमेंट था, उससे ज़्यादा रह गया, तो उसके पास उस मकान में रहने का अधिकार आ जाता है, जिसे कहा जाता है टेनेंसी राइट। यानी अब हम उससे जबरदस्ती मकान खाली नहीं करा सकते, ठीक है, उसका जो किराया होता है वो देगा, लेकिन हम उसे मकान खाली नहीं करा सकते। अगर हमें मकान खाली कराना है तो उसे उस अधिकार का पैसा देना होगा, टेनेंसी राइट का पैसा देना होगा, मतलब मुझे कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, लो भाई 3 लाख रुपए लो अब मकान खाली कर दो, नहीं तो वो कोर्ट में चला जाएगा अगर जबरदस्ती करोगे तो, उसके पास अधिकार है रहने का, तुम निकाल नहीं सकते हो। तो आपने देखा है कभी भी, आप अपने घर में देखिए, अगर आपके पास भी मकान है आप किराए पे देते हैं तो आप हमेशा एग्रीमेंट जो बनाते हैं ना, हमेशा 11-11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं, 11-11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं मालूम है आपको? क्योंकि अगर आपने एक बार में बड़ा 12 महीने से ऊपर का एग्रीमेंट बना दिया और वो रिन्यू करते 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 12 साल रह गया तो उसके पास टेनेंसी राइट आ जाएगा। अगर 11 महीने का आप एग्रीमेंट करते हो और वो 12 साल से ज्यादा रह भी गया, 11-11 महीने का रिन्यू होते होते भी वो अगर 12 साल रह गया तो भी टेनेंसी राइट नहीं आएगा। टेनेंसी राइट कब आती है? जब एक किराएदार 12 साल रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि एग्रीमेंट 12 साल से ज्यादा का बना था, या फिर अगर एग्रीमेंट कम भी बना था तो 1 साल का बना था और बार बार रिन्यू होते गया। लेकिन अगर 1 साल से भी छोटा एग्रीमेंट बना था वो रिन्यू होकर 12 साल हो गया तब टेनेंसी राइट नहीं आएगी उसके पास। इसीलिए आप देखते हो हमेशा 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है किराएदारी का। देखा, एक नई चीज आप सीख गए जो इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको सीखने को मिल गई क्योंकि आप टेनेंसी राइट पढ़ रहे थे। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी होता है, हम चाहते हैं कि बच्चे को लॉजिकली हर बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब भाई ये टेनेंसी राइट आपको
टेनेंसी राइट का क्या है? अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है ना, मान लीजिए 12 साल मेरे पूरे हो चुके थे 2001 में ही, ठीक है, और अब 2023 में लेकिन हम मकान खाली कर रहे हैं और मेरा जो मकान मालिक है वो 5 लाख रुपया हमको दिया, तो टेनेंसी राइट की कॉस्ट तो कुछ होती नहीं, कुछ पे की हो गया इसको पाने के लिए? नहीं, अरे 12 साल रह गए मकान में तो टेनेंसी राइट आ गया, हम तो 12 साल से ज़्यादा ही रह गए, 12 साल तो मेरा 2001 में ही पूरा हो गया था लेकिन हम 2023 में खाली कर रहे हैं, 5 लाख रुपये मेरे मकान मालिक ने मुझे दिया। तो अब हम क्या बोलेंगे पता है? हम बोलेंगे कि 2001 की अगर मार्केट वैल्यू मुझे मिल रही होती, हम कहते 2001 में मकान खाली करने का ना मेरा मकान मालिक मुझको कितना दे रहा था मालूम है? मुझको दे रहा था उसी समय 10 लाख रुपया। जरूरत पड़ेगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मकान मालिक से बुलवा भी देंगे कि 10 लाख रुपया दे रहे थे कि नहीं, कहेगा हाँ दे रहे थे, उस समय जरूरत थी मकान खाली करने की, 10 लाख रुपया दे रहे थे, तो 10 लाख रुपये तो थी उस समय मार्केट वैल्यू, ठीक है, तो भाई ठीक है, अगर 10 लाख रुपये मार्केट वैल्यू स्टैब्लिश हो गई तो हम कहेंगे कॉस्ट तो हमारी नहीं ले, 10 लाख रुपये फेयर मार्केट वैल्यू है 2001 की, 10 लाख रुपये पे महंगाई का इम्पैक्ट लगाएंगे, करीब करीब हो जाएगा 35 लाख रुपया, 5 लाख रुपये में आज हमको मिला है टेनेंसी राइट का, 5 लाख रुपये मिला है ना, तो 5 लाख रुपये सेल कंसिडरेशन माइनस करेंगे 35 लाख रुपया, 30 लाख रुपये का घाटा दिखाएंगे, इस पर तो टैक्स देंगे नहीं। आप सोचो ना जरा, सरकार कह रही है 5 लाख रुपया है, तुमको किस बात का मिला है? कुछ भी तो नहीं किए हो इसके लिए, एक चवन्नी खर्च नहीं किए हो, तो मकान में रह लिए 12 साल से ज्यादा, तुमको 5 लाख रुपया मिल गया, 5 लाख रुपया पूरी इनकम है, पूरे पे टैक्स लगना चाहिए, और हम सरकार को क्या समझा रहे कि 30 लाख रुपये का घाटा हो गया हमको, तो उस 5 लाख रुपया पे भी टैक्स नहीं देंगे और 30 लाख रुपये का घाटा दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे और उसका भी टैक्स नहीं देंगे अब हम? सरकार कह रही है नहीं भाई, नहीं देंगे हम 2001-2001 की मार्केट वैल्यू। तो कहाँ कहाँ नहीं मिला आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए गुडविल में नहीं मिला, गुडविल के ये सब भाई बहन है सब, राइट टू मैन्युफैक्चर फलनाडम का, इस पे नहीं मिलेगा, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम पे नहीं मिलेगा, टेनेंसी राइट पे नहीं मिलेगा, रूट परमिट पे नहीं मिलेगा। रूट परमिट क्या होता है आपको मालूम है कि नहीं? आप कभी वो ट्रक वगैरह पे देखे हो लिखा रहता है ऑल इंडिया लाइसेंस, कभी ट्रेवल्स की गाड़ी देखो तो उसमें लिखा रहता है कभी कभी ऑल इंडिया लाइसेंस। जैसे जो कॉमर्शियल गाड़ी होती है, ठीक है, जो ट्रेवल्स वाले यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है कॉमर्शियल व्हीकल, ठीक है। हम जो अपने लिए यूज़ करते हैं दोज आर डोमेस्टिक व्हीकल्स, ठीक है। तो जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए व्हीकल्स लेते हैं वो तो पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, अपने अपने बिजनेस के लिए भी, अगर स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी, तो भी कॉमर्शियल का मतलब होता है जिससे हम ट्रांसपोर्ट वगैरह का या ट्रेवल का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपकी कॉमर्शियल व्हीकल है ना, तो आपको लाइसेंस रूट परमिट लेना पड़ता है अपनी स्टेट से बाहर चलाने के लिए, नहीं तो आप नहीं चला सकते। जैसे मेरी कार है तो हम पूरे हिंदुस्तान में लेके कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ट्रेवल्स वाली कार है या ट्रक है तो आपको स्टेट से बाहर जाने के लिए रूट परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो सरकारी लाइसेंस होता है, आपको मिल जाता है, आप अप्लाई करते हैं आपको मिल जाता है, ठीक है। अब हम आपको घुसखोरी के बारे में थोड़ी ना बताएंगे कि इसकी भी कॉस्ट लगती है, थोड़ा सा नीचे से देना पड़ता है। बहरहाल तो इसकी कॉस्ट ऐसे तो नीली है ना भाई, हमको जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो करना होता है और हमको मिल जाता है ये, ठीक है। तो रूट परमिट हमको मिल गया इस तरीके से हमको स्टेट के बाहर चलाने के लिए। लेकिन आपको पता है जैसे कि अगर आज किसी को रूट परमिट चाहिए तो भाई लीगल फॉर्मेलिटीज में भी टाइम लगता है ना, अप्रूवल होते होते समय लगता है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कंपनी हूं, मुझे अपना धंधा बंद करना है, तो मैं दूसरे को रूट परमिट अपना बेच सकता हूं, उसको बेच दूंगा, तो अब उसके पास लाइसेंस आ गया, अब वो करे ये धंधा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, उसको रूट परमिट अलग से नहीं लेना पड़ता। आप समझ पाए कि नहीं? जैसे मेरे पास लाइसेंस है, मैं ट्रक वाला हूँ, अब मुझे ट्रक का धंधा करना नहीं है, आप धंधे में उतरना चाहते हो लेकिन आपको मालूम है लाइसेंस लेने में आपको 2-3 महीना समय लग जाएगा, बार बार दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में चप्पलें घिसनी पड़ेंगी, तो आपने मुझसे रूट परमिट खरीद ली, ठीक है। अब मैंने आपको रूट परमिट बेची, ठीक है, मान लीजिए 2 लाख रुपये आपसे ले लिया, मेरी कॉस्ट कितनी? अरे कॉस्ट तो कुछ भी नहीं थी ना भाई, पैसा थोड़ी ना लगा था इसको लेने का, वो तो सरकारी दफ्तर में चप्पल घिसे थे हम भी जाके, ठीक है, कागज वगैरह जमा किए थे, मिल तो गया था फोकट का ही ना, तो कॉस्ट तो नहीं लाए। लेकिन अगर सरकार कहते कि 1-4-2001 की मार्केट वैल्यू लेंगे, तब तो हम 1-4-2001 में कहेंगे कि हमारे रूट परमिट का हमको इतना मिल रहा था, शुरू हो जाएगी मेरी नौटंकी, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं मिलेगा। आइए आगे देखते हैं, लूमार्स, आपको अल्टीमेटली रट लेना है, ठीक है। लूमार्स, लूमार्स क्या होते हैं? गांधी जी जो कपड़ा पहनते थे, वैसे तो पहनते ही नहीं थे, बहुत थोड़ा बहुत पहनते थे, जो भी थोड़ा बहुत पहनते थे उसे खादी कहते हैं, और खादी लूम्स में बनता है, ठीक है।
लूम कितने घंटे ऑपरेट करेगा कोई भी, इसके लिए सरकार आपको लाइसेंस देती है, उसे कहा जाता है लूम आर्स। मतलब जितना मर्जी 24 घंटा लूम चला रहे हो, धड़ाधड़ खादी बना रहे हो, नहीं हो सकता। आपको लूम आर्स मिलते हैं कि आप 6 घंटा चला सकते हो, 4 घंटे लूम चलाने का आपको परमिशन है, तो आप 4 ही घंटा चलाएंगे, तो लूम की परमिशन होती है। बाकी ये कौन सा नया नाटक है सर, ये तो मैंने नहीं सुना कि मेरी फैक्ट्री है, हम ही को बताया जाएगा कितने घंटे चलाना है। हाँ, हमारे देश में ये ना लघु उद्योग है, आप समझते हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये लघु उद्योग है, और बहुत सारे लूम्स हैं हमारे देश में छोटे छोटे, ठीक है, जो खादी बनाते हैं, खादी एक्सपोर्ट भी करते हैं। सरकार ने ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि अगर सरकार इसमें से आवर का रिस्ट्रिक्शन हटा दे तो बड़ी कंपनी रिलायंस जैसी कंपनी आ जाएगी, कहेगी हम भी लूम डालेंगे, हम भी खादी बनाएंगे। और रिलायंस जब काम करेगी तो आपको आइडिया है ना, मतलब बड़ी कंपनियां कैसे काम करती है, तो 24 घंटे काम करेंगी, थोड़ा प्रोडक्शन होगी, ह्यूज प्रोडक्शन होगी, और सारे जो छोटे छोटे लघु उद्योग हमारे देश में, जो हम उसको बोल नहीं पा रहे हिंदी में, उसको लूम को क्या बोलते हैं, तो वो सारे बंद हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि भाई इतनी मास प्रोडक्शन कोई कंपनी करेगी तो कॉस्ट भी उसकी कम आएगी, ठीक है, तो भाई ये सारे छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है वो छोटे उद्योग बंद ना हो, इसलिए उस पर आवर वाला रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ठीक है, कि कम घंटे काम करने देंगे। तो बड़ी देखिए, बड़ी कंपनी ना कम घंटे वाले काम नहीं करती है, बड़ी कंपनी वो काम करती है जिसमें हम घुसेंगे तो पेनिट्रेट कर देंगे, फोड़ देंगे सबको, ठीक है, फिर कोई और नहीं चलेगा, राइट। रिस्ट्रिक्शन वाले धंधे थोड़ी ना करती है बड़ी कंपनी, तो इसलिए लूम के आस पे रिस्ट्रिक्शन है। अब समझ लीजिए, मेरे पास एक लूम है और मुझे 4 घंटे की परमिशन है, मैं धंधा बंद कर रहा हूं, तो मैं किसी को ये लूम आस बेच सकता हूं, वो 4 घंटे के लिए कारखाना चला सकता है, अपना लूम चला सकता है, ठीक है, तो मैं चाहूं तो ये लूम आस बेच सकता हूं, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए मुझे जो लाइसेंस मिला हुआ है लूम चलाने वाला, वो मैं किसी को बेच सकता हूं, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, सरकार ऐसे ही देती है, ठीक है, आपको तो ऐसे ही लाइसेंस मिलता है कागजी कार्रवाई करके बस। तो अब इसमें भी अगर सरकार आपको 2001 की मार्केट वैल्यू दे दे, तब तो हम यही ना कहेंगे आज लूम हमने 1,00,000 रुपये में बेचा लूम आस, अब हम कहेंगे 1/4/2001 को ही हमको तो 2,00,000 रुपया मिल रहा था, इन्फ्लेशन लगा देंगे, लॉस दिखा देंगे इसमें भी, राइट। तो चलिए अपने दिमाग में बैठाइए कहाँ का नहीं है, याद कीजिए, गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूम आर्स। एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये हमको याद भी नहीं रहा ना, लेकिन ये नाम सुनेंगे तो एग्जाम में याद आ जाएगा। अगर आप लूम आर्स सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा 1/4/2001 की, एक की मार्केट वैल्यू नहीं मिलती, हाँ, क्योंकि इतनी कहानी सुने उसके पीछे, रूट परमिट लूम आस। तो एक्चुअल में क्या होता है, आपसे न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होते, और थ्योरेटिकली हमें 6 पॉइंट याद करने की तो ही ना जरूरत है, जैसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए मुझे याद आ जाएगा कि नहीं कि 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलती, याद आ जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, जरा बताओ कहाँ कहाँ 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलती, अरे नहीं, लूम आस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए कहेगा कॉस्ट इसकी मिलती, 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू ये है, आपने इतने रुपए का बेचा है, 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू अपने ही लेंगे, सीधे नील घटाएंगे उसमें से, और जो आया वो कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। आपको 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, चाहे वो सेल्फ जनरेटेड हो या आपने खरीदा हो, ठीक है। क्या ये भी पॉसिबल है कि आप खुद ही गुडविल खरीदे थे किसी की, क्या किसी से लूम आर आप पहले खरीदे थे, हाँ, तो अगर आप खरीदे थे तो आपकी कॉस्ट तो हम मानेंगे, ये नहीं बेमानी कर रहे हैं कि आपकी कॉस्ट नहीं मानेंगे, सेल्फ जनरेटेड है तब तो कॉस्ट नील है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अदरवाइज का मतलब आप परचेस किए हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी आपकी, आपकी परचेस कॉस्ट होगी, आपकी परचेस कॉस्ट होगी, इसमें बेमानी नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन इन दोनों ही केस में आपको 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन जो मिलता है वो नहीं मिलेगा इन दोनों ही केस में। आया समझ में सबको, आइए अगर ये समझ में आ गया तो इन 6 एसेट का मैंने यहां पे नाम लिख दिया एक एक करके, एसेट, गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर, ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूम आर्स। अब इससे रिलेटेड सारी बातें एक जगह, हम अभी आपको इससे रिलेटेड ना ऑप्शन वाला बता रहे थे 2001 का, लेकिन हमने कहा कि क्यों सिर्फ ऑप्शन बताए, एक चार्ट बना देते हैं जिसमें सब चीज बता देते हैं आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है, 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू मिलेगी कि नहीं, और बेचने में खर्चा लगा तो वो घटेगा कि नहीं। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू तो कहीं नहीं मिलेगी, देखिए, नो 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 नो,
याद रहेगा ये 6 एसेट 1/4/2021 मार्केट वैल्यू में। बेचने में अगर खर्चा लगाए तो घटाने को देना चाहिए कि नहीं, भाई ये कौन सी बात हुई कि बेचने में खर्चा लगाए तो नहीं घटाने दोगे, अगर बेचने में खर्चा लगाए तो मिलेगा, मिलेगा एक्चुअल जो भी एक्चुअल कॉस्ट है आपकी। अच्छा ये एसेट अगर सेल्फ जनरेटेड है तो क्या यहां पे मैंने बताया है कि पहले ही आपको बता दिया था कि कॉस्ट नील होती है, बहुत पहले ही बता दिया था कि इन सब एसेट की सेल्फ जनरेटेड एसेट की कॉस्ट नील होती है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सेल्फ जनरेटेड है अगर ये सारे एसेट तो नील है। लेकिन अगर मैंने खरीदा है तो मैंने किसी और से गुडविल खरीदा, ट्रेडमार्क खरीदा, ब्रांड नेम खरीदा किसी का, क्या खरीदा जाता है? हाँ खरीदा जाता है, जेन्युइन ट्रांजेक्शन होता है। मैंने किसी से लूमार खरीदा है भाई, मैंने 4 घंटे खरीदे थे 1 लाख रुपए के, तो मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगी कि नहीं जितने में खरीदा था? हाँ, जो लूमार हमने खरीदे थे 4 घंटे के 1 लाख में, अब आप उसको बेचने जा रहे हैं 4 लाख में, तो ठीक है भाई मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 लाख, मैंने खरीदा था, तो अगर खरीदे थे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जितने में आपने खरीदा था। ठीक है, अब आती है बात कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। ठीक है, ये रहा गुडविल, और इसको तो हम गुडविल का ही भाई बहन कहते हैं, राइट टू मैन्युफैक्चर फलनाडम का, आपको भी समझाया है कि क्यों हम कहते हैं। ठीक है, अब गुडविल हमने अगर मान लीजिए किसी से खरीदी भी है तो हम उसमें इंप्रूवमेंट क्या कर देंगे, क्या चीज ऐसा कर देंगे गुडविल बढ़ जाएगी? फिर वही बात कहेंगे खून पसीना मैंने लगा दिया, मैंने तो खरीदा था धंधा कि गुडविल 10 लाख रुपए में, लेकिन मैंने खून पसीना लगा दिया ना इसलिए 1 करोड़ का हो गया, यही ना बोलेंगे? धंधे की गुडविल के लिए कोई कॉस्ट थोड़ी ना लगती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉस्ट तो इसकी नील ही होगी, इसकी भी नील होगी, लेकिन बाकी जगह इंप्रूव सचमुच होता है और कॉस्ट लगती है, तो आपने अगर कॉस्ट लगाया है इंप्रूव किया है तो जेन्युइनली कंसिडर होगा। जैसे ट्रेडमार्क ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम, देखिए अभी जो मेरा ट्रेडमार्क था ना वो एक नेशनल ट्रेडमार्क था, ठीक है, मैंने खरीदा था ट्रेडमार्क या सेल्फ एक ट्रेडमार्क खरीदा था मैंने, लेकिन उसको मैंने इंटरनेशनल ट्रेडमार्क बनवा दिया, मैंने और फीस वगैरह फाइलिंग फीस वगैरह पे किया, वो इंटरनेशनल ट्रेडमार्क हो गया है, मतलब पूरी दुनिया में कोई उस नाम को ब्रांड नेम को यूज नहीं कर सकता। जैसे स्टडी एट होम, ये मेरा ब्रांड नेम है, ठीक है, मैंने तो सेल्फ जनरेट किया है, मैंने पे करके तो किसी को लिया नहीं है, मान लेते हम स्टडी एट होम किसी को पे करके लिए थे, लेकिन जब लिए थे वो एक नेशनल ब्रांड नेम था, ठीक है, लेकिन मैंने इसको एक इंटरनेशनल ब्रांड नेम बना दिया, तो भाई पैसा लगाया? हाँ लगाया, तो इंप्रूवमेंट का खर्चा मिलेगा। टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट में भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए टेनेंसी राइट का मतलब होता है रहने का अधिकार आपको मिल जाता है। एक तो मैंने बहुत सिंपल सिस्टम बताया कानूनन कि आप 12 साल से ज़्यादा किसी मकान में रह लिए हैं एज ए किराएदार, और आपका एग्रीमेंट एक बार में 12 साल का था या कम से कम भी 1 साल में 1 बार का था और रिन्यू होते होते 12 साल से ज़्यादा हो गया, तो आपके पास उस मकान में रहने का अधिकार आ जाएगा, इसी को कहा जाता है टेनेंसी राइट। अगर आपको मकान मालिक निकलवाएगा तो अब कुछ पैसा देना पड़ेगा निकलने का, ठीक है, तो कोई भी मकान मालिक ना किसी को 12 साल से ज़्यादा किराए पे रखता नहीं है इसीलिए, ठीक है, 8-9 साल होगा तब तक निकाल देगा आप कि भैया नहीं तो टेनेंसी राइट आ जाएगा, फिर तो इसको निकालने का हमको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन टेनेंसी राइट सिर्फ यही, ये तो कानूनी तरीका है ये, लेकिन रहने का है क्या इसी तरीके से आ सकता है? बस नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। मैंने किराए पे एक बिल्डिंग ली अपनी कोचिंग क्लास चलाने के लिए, ठीक है, और उसका जो मकान मालिक था उसने मुझसे बोला कि आपको किराया 1 लाख रुपया महीना देना होगा इस पूरी बिल्डिंग का, ठीक है, बिल्डिंग एकदम जर्जर हालत में थी, उसके फर्श वर्श टूटे पड़े थे, यानी मुझको सब चीज़ उसमें बनवाना था, पूरा टाइल्स वाइल्स लगवाते, वॉल वगैरह सही कराते, प्लास्टरिंग कराते प्रॉपर, मतलब वो जर्जर टाइप का मकान था पूरा, ठीक है। उस मकान को रेडी करने में मेरा 1 करोड़ रुपये लगेगा, तो आप कहेंगे ऐसा मकान लेंगे ही क्यों सर आप किराए पे? ध्यान से सुनिएगा, अगर हम वो मकान परफेक्ट होता ना तो उसका महीने का किराया 5 लाख रुपये होता, उनको 1 लाख रुपये महीने पर मिल रहा है, ठीक है, तो 1 करोड़ रुपये लग इसीलिए तो वो मिल रहा है 1 लाख रुपये महीने पे, क्योंकि वो मकान जर्जर स्थिति में है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार 2 साल में रिकवरी हो जाएगी, इतना कितना ज़्यादा पैसा लग ही रहा है, और फिर तो हम तो 1 लाख रुपये महीने पे हैं, तो एग्रीमेंट हुआ था 5 साल का, तो भाई मुझे तो लगा कि फ़ायदे में ही है, नुकसान क्या है, 1-5 साल का फ़ायदा एग्रीमेंट हो रहा है 1 लाख रुपये पे, क्योंकि भाई मार्केट में तो आज ही 5 लाख रुपये किराया होना चाहिए अगर वो बिल्डिंग सही होती तो, और हर साल बढ़ते जाता है मार्केट में किराया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे ठीक लगा, मैंने कहा 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं इसमें।
लेकिन उसमें एक बात लिखी हुई थी कि अगर मुझे किराया देना होगा हर महीने की 1 तारीख को, और अगर मुझे 15 दिन से ज्यादा डिले हो गया कभी भी तो मकान मालिक मकान खाली करा सकता है। ठीक है, मैंने साइन कर दिया। मैंने कहा टाइम पे देंगे किराया, क्यों नहीं देंगे। मैंने साइन भी कर दिया एग्रीमेंट को। तो मैंने 1 करोड़ रुपये लगा के मकान रेडी करा दिया। 2 महीना मैंने 1 लाख 1 लाख किराया दिया। 3रे महीने का किराया मैं भूल गया देना ध्यान से, और 15 दिन से ज्यादा हो गया, मकान मालिक किराया खाली करो। अरे यार, अभी तो हम 1 करोड़ रुपए उस मकान में लगाए हुए हैं, कैसे खाली कर दें अब हम उस मकान को? खाली कर पाएंगे हम? नहीं होगा हमसे। लेकिन लीगली खाली करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ कानून में यही तो लिखे थे, एग्रीमेंट पे साइन किए थे। अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे कोर्ट में इस बात के लिए नहीं कि वो हमसे खाली करा रहे, क्योंकि वो तो जेन्युइन है अपने लीगल। हम टेनेंसी राइट क्लेम करेंगे। हम कहेंगे मेरे पास रहने का अधिकार है, मैंने जज साहब 1 करोड़ रुपए लगाया उस मकान को रेडी करने में। ठीक है, मानते हैं गलती हो गई हमसे, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या जेन्युइनली मुझे 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद 2 महीने बाद खाली कर देना चाहिए क्या मकान? सरकार कहेगा नहीं, इसके पास रहने का हक है। अगर इसने किराया नहीं भी दिया है तो भी रहने का हक है। भाई 1 करोड़ रुपए लगा के बैठा हुआ है उस मकान में, तुम 2 लाख रुपए किराया क्यों देख रहे हो? जज साहब मुझे देंगे टेनेंसी राइट। कहेंगे अगर ये 1 रुपया भी किराया नहीं देगा तो भी अभी 1 साल रह सकता है। भाई मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी तो 5 लाख किराया होता है तो 60 लाख रुपया हुआ, 1 करोड़ रुपये लगाया ना मकान में, तो जज साहब हमको टेनेंसी राइट दे देते हैं, रहने का हक दे देंगे। अब इस टेनेंसी राइट को हम चाहें तो बेच भी सकते हैं। भाई मेरे पास अधिकार आ गया है, मेरे पास 1 साल तक हम रह सकते हैं। अब मकान मालिक खाली कराएगा, तुम क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपये लेंगे उससे, टेनेंसी राइट है मेरे पास। ठीक है, या वट एवर जो भी हम उससे साथ नेगोशिएट करते हैं, हम कह रहे हैं 1 करोड़ लेंगे, ये बात नहीं है, मतलब जो भी हम नेगोशिएट करते हैं उससे। ठीक है, हम तो ज्यादा भी ले सकते हैं उससे, हम कहेंगे खाली कराना है हमको 1.5 करोड़ रुपये दो। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, यहां पे जो टेनेंसी राइट है, क्या इसमें मेरी कॉस्ट लगी है? कॉस्ट तो नहीं है, टेनेंसी राइट तो आपके पास खुद से अधिकार आ जाता है, लेकिन मेरा इंप्रूवमेंट में खर्चा लगा है, मैंने उस मकान को इंप्रूव किया है, वो मेरा टेनेंसी राइट की इंप्रूवमेंट की कॉस्ट है। आप समझ पा रहे हैं? जो हमने 1 करोड़ रुपये लगाया था तो वो मेरी इंप्रूवमेंट की कॉस्ट है। रूट परमिट बिल्कुल ऐसे ही होता है। रूट परमिट के केस में हमने रूट परमिट ली थी सिर्फ 3 स्टेट की। ठीक है, फिर मैंने किसी और से ले लेके उसको पूरा नेशनल वो बना दिया रूट परमिट, तो भाई पैसा तो लगा ही है इंप्रूवमेंट में। लूमार्स हमने खरीदा था किसी से 2 घंटा का, फिर किसी से 1 घंटे का लूमास और खरीदा, तो भाई वो इंप्रूव हो गया, 3 घंटे का लूमास हो गया। सब ऐड होना चाहिए कि नहीं इंप्रूवमेंट की तरह? हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट 2 घंटे की थी, फिर 1 घंटा का हमने इंप्रूव किया उसको, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट इंप्रूवमेंट की मिल जाएगी। तो बस आपको सीधे सीधे याद रखना है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर तो मिलता ही है, सेल्फ जनरेटेड एसेट की कॉस्ट नील होती है, परचेज किया है तो मिलेगा। ठीक है, बस आपको इसी में इंप्रूवमेंट वाले में ही ध्यान देना है कि गुडविल और गुडविल के जो भाई है राइट टू ट्रेड वगैरह, राइट टू मैन्युफैक्चर वगैरह, इसमें नहीं मिलेगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बाकी में जेन्युइन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है, मिलेगा। इन दोनों में जेन्युइन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं, कुछ कॉस्ट इनकर होती ही नहीं है एक्चुअली में, इसमें होती है तो आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू का ऑप्शन कब मिलता है कब नहीं मिलता है ये आज की क्लास में आपने सीखा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।